जय हिंद दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल में आपको फिर से एक बार स्वागत करते हैं। दोस्तों आज आपको सिन पेन के बारे में बताएंगे। सिन पेन किस लिए होता है, सिन पेन कैसे रिलीव किया जाता है, कौन कौन से एक्सरसाइज जो आपको करने से सिन पेन बहुत ही ज़्यादा फास्ट आपको सिन पेन से मुक्ति हो सके। तो फर्स्ट आपको बताएंगे सिन पेन के बारे में। सिन पेन किस लिए होता है, सिन पेन देखिए, अगर आप रोड पे रनिंग करते हो, गलत शू पहन के रनिंग करते हो और गलत तरीके से रनिंग करते हो, और अगर आप मार्ट में या आपका ग्राउंड में ही जब आप रनिंग करते हो तो उसी टाइम आपका स्टेप, रनिंग का स्टेप बहुत ही अच्छा नहीं होता, गलत तरीके से पड़ता है, उल्टा सीधा ऊपर नीचे होकर पड़ता है, तो इसीलिए आपका सिन पेन होता है। तो आज आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो करने से आपको सिन पेन बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिलीफ होगा। आप तो बहुत सारे एक्सरसाइज है, बहुत सारे यूट्यूबर है जो इसका वीडियो देखे, पर आज का वीडियो में आपको बताएंगे बेस्ट एक्सरसाइज जो आपको वास्तव में होता है, जो रिलीफ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आप जब रनिंग करते आते हो सुबह मार्ट पे या आपका ग्राउंड पे, तो उसी दौरान आपको क्या करना चाहिए, रनिंग से पहले आपको वार्म अप करना चाहिए, रनिंग से बाद आपको डेली कूल डाउन करना चाहिए। अगर ये दोनों एक्सरसाइज आप नहीं करते हो तो आपका सिन पेन मस्ट होगा ही होगा। और अगर आपका सिन पेन शुरू हो चुका है आप फिर भी दौड़ने आते हो, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है कि आपका सिन पेन हो रहा है आप फिर भी दौड़ रहे हो। क्योंकि अगर आपका पैर बहुत ही दर्द है तो दौड़ोगे तो और भी दर्द होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको 2-3 दिन का रेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। उस रेस्ट के अंदर आप जब घर में रहोगे, 2-3 ऐसे एक्सरसाइज है जो आपको करना है और एक मेथड यूज़ करना है। आप जब सुबह 3 टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट पे, ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट पे, आपका घर में अगर फ्रिज है तो फ्रिज से आइस क्यूब निकालिए, आइस क्यूब निकल के या आप कहीं से भी जुगाड़ करिए आइस क्यूब, आइस क्यूब के अंदर आपको क्या करना है, आपको पूरा सिन पेन तो इस एरिया में होता है तो आपको पूरा ये एरिया को आइस लगाना है, ठीक है। सिन पेन के लिए आपको 10-15 मीटर आपको गैप ले लेना है, 15-20 मीटर आपको गैप ले लेना है। आप लोग इधर आ जाओ, 15-20 मीटर गैप लेना है। आपको क्या करना चाहिए, पंजे पे हो जाओ, पंजे पे ऐसे करके, और फिर ऐसे करके आपको देखिए लड़का लोग कर रहे हैं, आपको फिर ऐसे करके आपको हाथ घुमाना है, उठाना है, ठीक है। हाथ उठाने से उसके बाद आपको क्या, एड़ी में, पंजे में चलना चाहिए, ठीक है, टो में चलेंगे और पाँव को भाँज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पाँव भाँज नहीं होगा तब भी आपको देखिए, आप ये एक्सरसाइज करके देखिए आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। देखिए लड़का लोग कर रहा है, ये एक्सरसाइज आपको करने से रिलीफ 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, और इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, इसके बाद आपको एड़ी में चलना चाहिए, ठीक है। आपको जो ये जो एड़ी है ना, इस पर चलना चाहिए। इस पर चलने से देखिए, आप जब पंजे पे चल रहे या टो पे चल रहे तो इसके क्या, आपका काब मसल जो है ये रिलीज होगा, ठीक है। और आपका जो एड़ी में या एड़ी में आप जब चलोगे तो इसका जो आपका जो हाड़ है, इधर हाड़ के साइड का जो पेशी है वो खींचा हुआ था वो रिलीज होगा, ठीक है। तो आपको हाड़ में ऐसे करके आपको चलना है, ठीक है। देखिए प्रॉपर कर रहा है लड़का लोग, पूरा पाँव को भाँच नहीं करना है, आपको ऐसे करके चलना है, ठीक है। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। तो ये हो गया 2 एक्सरसाइज आप दिखा था आपको, बैठ के ये एक्सरसाइज करना है, ठीक है। सो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको ऐसे एक गमछा ले लेना है, या आपके पास टावल है तो टावल ले लेना है। इसके बाद आपको या बिस्तर पे भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, आप ग्राउंड में भी कर सकते हो, ठीक है। आपको बैठ जाना है, ऐसा करके आपको बैठ जाना है, उसके बाद पाँव को सीधा करना है, ठीक है। एक पाँव ऐसे करना है, ठीक है, एक पाँव ऐसे करके ऐसे करना है। आपका टो पेसर देना है इस गमछे में, ठीक है। प्रेशर देने से आपका बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब 2-3 दिन के अंदर आपको महसूस हो जाएगा कि हमारा सिन पेन जा रहा है, ठीक है। अगर नहीं काम हो गया तो बताना, मेरे व्हाट्सएप पे ग्रुप दिया हुआ है, अगर नहीं काम तो और भी ट्रिक है जो यूज़ करेंगे आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसके बाद आपको क्या करेंगे, टावल रखना है, इसके बाद आपको टो पकड़ के बैठना है, ठीक है, ऐसे पकड़ के बैठना है। ये सब एक्सरसाइज करने से आपको बहुत ही ज़्यादा सिन पेन की रिलीफ हो जाएगा। तो
आज वीडियो में आपको बताया सीन पेन के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हाइट कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और आपको कुछ भी पूछना है तो मेरे नीचे कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उधर जाके ज्वाइन हो सकते हो। तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।